अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको लड़कियों के 40 ऐसे खूबसूरत नाम बताऊंगा कि जिनका ज़िक्र कुरान मुकद्दस में भी आया है। आपके घर में बच्ची पैदा हो तो आपका ये फरीज़ा होता है कि उसका नाम अच्छा रखें। आकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं कि तुम क़यामत के दिन अपने आबाओ अजदाद के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा अपने नामों को अच्छा रखो। तो अंबिया के नाम पर अपने नाम को रखना, सहाबा के नाम पर अपने नाम को रखना, या इसी तरीके से ऐसे नाम रखना अपने बच्चों का चाहिए, अपने बच्चियों का चाहिए, जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की राह निकलती हो। तो हमारा ये फरीज़ा है, लिहाजा हमें इस फरीज़े को भी सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। आज मैं आपको कुरान मुकद्दस से 40 नाम लड़कियों के ऐसे बताऊंगा जिनका माना भी बहुत ही अच्छा है और कुरान मुकद्दस में भी उन नामों का ज़िक्र है। तो आप इन नामों को सुनिए, जो नाम आपको अच्छा लगता है आप अपने बच्चियों को ये नाम रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो नियत आप करेंगे अल्लाह तबारक व तआला नियतों के एतबार से बरकतें अता फरमाता है। तो सबसे पहला नाम जो मैं आपको बताऊँगा वो है अस्मा। अस्मा ये इस्म की जमा है जिसका माना होता है नाम। ये भी अच्छा नाम है और कई सहाबियात के ये नाम है, कुरान मुकद्दस में भी ये नाम मज़कूर है। इसी तरह से नाम है अयमन, ये भी कुरान मुकद्दस में ज़िक्र हुआ है। अयमन का मतलब होता है बाबरकत, बरकत वाली। अगर लड़की का नाम रखा जाए तो इसका मतलब होगा बरकत वाली। इसी तरीक़े से है आमिना। आमिना का मतलब होता है अमन वाली, सुकून वाली, चैन वाली और किसी से झगड़ा ना करने वाली। बाज़िगा, ये लफ्ज़ भी कुरान मुकद्दस में आया है। बाज़िगा का मतलब होता है रोशन, ज़ाहिर, चमकदार। बिताना, बिताना का मतलब होता है राजदान, राज जानने वाली। ये भी नाम अच्छा है, नया भी लगता है। ये नाम आम तौर पर लड़कियों के माशरे में नहीं होते हैं, तो ये नाम आप रख सकते हैं। इसी तरीके से एक नाम है बैदा। बैदा, बै दाद के उसके बाद या के बाद दाद है, फिर अलिफ मद है, फिर हमज़ा है। इसका मतलब होता है सफ़ेद, गोरी, चिट्टी। ये भी जो है कुरान मुकद्दस में मज़कूर है। तस्नीम, तस्नीम भी बहुत अच्छा नाम है। यह नाम आमतौर पर सुनने भी मिलता है, जिसका मतलब होता है जन्नत का चश्मा। जन्नत के चश्मे का क्या कहना, लड़कियाँ जो हैं वैसे भी अल्लाह की रहमत होती हैं और रहमतों का जो भी नाम रखा जाए वो उन पर सूट करता है। तो तस्नीम आप अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं जिसका नाम होता है जन्नत का चश्मा। इसी तरीके से एक नाम है अक्सा। अक्सा का मतलब होता है दूर की जगह, और एक दुनिया में भी अक्सा है जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, और ये नाम जो है लड़कियों के आमतौर पर पाए भी जाते हैं। इसी तरीके से उसवा। उसवा ये लफ्ज़ भी कुरान मुकद्दस में आया है और लड़कियों के नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है नमूना, मिसाल, किसका कहते हैं नमूना। इसी तरह से बारिज़ा। बारिज़ा का मतलब होता है साफ, जाहिर, खुली हुई। बुशरा, बुशरा का मतलब होता है बशारत। आपको कोई खुशखबरी मिले तो इसको कहते हैं बुशरा और खुशखबरी। बहजा, बहजा का मतलब होता है खूबसूरत और चिकनी, गोरी। तहरीम का मतलब होता है इज्जत वाली या इज्जत। ये भी नाम अच्छा है, तहरीम भी आप अपनी बच्चियों का नाम रख सकते हैं। समर, समर का मतलब होता है फल। ये भी लड़के का नाम रखा जा सकता है और कुरान मुकद्दस में ये लफ्ज़ आया हुआ है। हसना, हसना का मतलब होता है नेकी। ये भी अच्छा नाम है, आप इसको अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं। दानिया, दानिया का मतलब होता है करीब। राफिया, राफिया का मतलब होता है ऊंची, बुलंदो बाला, शान वाली, इज्जत वाली। जीनत, जीनत का मतलब होता है खूबसूरती। ये नाम आमतौर पर मिलता भी है, इसको भी रख सकते हैं। साबिरा, साबिरा का मतलब होता है सब्र करने वाली। सिद्दीका, सिद्दीका का मतलब होता है बहुत सच्ची, ज़्यादा सच बोलने वाली को सिद्दीका कहा जाता है। दोहा, दोहा का मतलब होता है सुबह, चाश्त। ये नाम भी आप अपनी बच्ची का रख सकते हैं। तूबा, तूबा का मतलब होता है मुबारक, बाबरकत और खुशी। तूबा ये नाम बहुत अच्छा है, इसको भी आप रख सकते हैं। उलिया, उलिया का मतलब होता है बुलंद, बुलंदो बाला, इज्जत, अजमत। ये नाम अच्छा है। फिरदौस, फिरदौस ये जन्नत का नाम है, आप इसको भी अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं। कौसर, ये जन्नत की नहर का नाम है कौसर,
और कौसर जो है आमतौर पर बच्चियों का नाम मुआशरे में हमारे होता है, तो ये आप भी अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। इसी तरीके से मरजान, मरजान का मतलब होता है कीमती पत्थर। कीमती पत्थर इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है, और मरजान का लफ्ज़ जो है कुरान मुकद्दस में भी आया हुआ है, आप ये अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। मुकद्दसा, मुकद्दसा का मतलब होता है पाकीज़ा। और इसी तरीके से है नादिरा, नादिरा का मतलब होता है तरोताज़ा। हुस्ना, हुस्ना का मतलब होता है अच्छा बेहतरीन। राजिया, राजिया का मतलब होता है खुश राजी। रिजवाना, रिजवाना का मतलब होता है रिजा, ये भी कुरान मुकद्दस में आया हुआ है। सकीना, सकीना का मतलब होता है सुकून वाली। सगीरा, सगीरा का मतलब होता है छोटी, ये भी आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं और ये रखा भी जाता है। ज़िया, ज़िया का मतलब होता है रोशनी, आप ये अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। ज़हीरा, ज़हीरा का मतलब होता है दोपहर और गालिब। फिद्दा, फिद्दा का मतलब होता है चांदी, ये लफ्ज़ भी कुरान मुकद्दस में आया हुआ है, आप ये भी अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। मुबारका, मुबारका का मतलब होता है बाबरकत, बरकत वाली, और जिस जगह चली जाए वहाँ पर बरकत नाजिल हो। मिसबाह, मिसबाह का मतलब होता है चराग, रोशनी और रोशनी देने का आला। मिनहाज, मिनहाज का मतलब होता है रास्ता, चलने की जगह। नाइमा, नाइमा का मतलब होता है नरम, ताज़ा। तो ये लगभग 40 नाम ऐसे थे जो कुरान मुकद्दस में इनका ज़िक्र आया हुआ है। आपके घर में अगर बच्ची होती है तो आप अपनी बच्ची का नाम इन 40 नामों में से जो भी चाहें, कुरान मुकद्दस के अल्फाज हैं, आप इन नामों को रखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतें आपको हासिल होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने नामों के मानी ना जानते हों कि आपके नाम का क्या मतलब है, तो मैंने दो क्लिप ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखें, आप अपने नाम का माना जानें। अगर उसमें आपके नाम का माना नहीं मिलता है तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द आपके नाम के मानी जो है बताने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।